सी क्वेश्चन नंबर 6, इसके कुछ पार्ट्स हम कर रहे हैं अभी। इसमें क्वेश्चन नंबर हम 6 डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे। तो जिन बच्चों को पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नहीं है, तो अगर जो क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे देखेंगे तो वो भी उनको समझ आ जाएगा। अब देखिएगा, इसको जरा देखिएगा, पहले बेटा देखिए कैसे करेंगे। 4u-3, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी -6u और -5 = 15v। अब आप देख रहे हैं कि ये लाइक टर्म है u वाली वैल्यू और ये वी अलग है, पूरी तो बेटा इधर रखिएगा प्लीज ताकि बात समझ आ जाए। अब देखिए ये डिफरेंट साइन है, जो साइन बड़ी वाली पर लगेगा तो बड़ी वाली का साइन क्या है, माइनस का है, तो -2 u और प्लस का 15v, ये आप बात करा जाए। जब आप प्लीज नोट करेंगे कॉपी पे, कम से कम आपने एक या दो लाइन छोड़ के नेक्स्ट पार्ट लिखना है। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएंगे, डी पार्ट आपके पास है, डी पार्ट में है जी 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 10x, इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 को इधर छोड़ेंगे, फिर माइनस डी को जब इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लीज देखिएगा, माइनस माइनस प्लस 6 = 18, और जब आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 3x आ गया। अब आप देख रहे हैं जहाँ पे जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपने इकट्ठे लिख देना है, यहाँ पे देखिएगा ये 10x है और ये 3x है, ठीक है, और ये 10x प्लस 3x और प्लस का 20 और माइनस का 18, जो अली और तलाल पार्टी की है तवज्जो करके बैठे थे, ठीक है, अब क्लास में बैठे हुए भी तवज्जो भी नहीं की होगी आपने, इधर तवज्जो करके बैठे ताकि आपको क्लास में जाए रहे। हाँ जी, और 10x प्लस 3x आंसर इनका क्या आ जाएगा जी, 13x, क्योंकि दोनों सेम साइन है और एक ऐसी वैल्यू है, इधर आ जाइए प्लस का 20 है और ये क्या जी माइनस का 18 है, तो बड़ी वैल्यू जो है आपके पास वो कौन सी है, प्लस का साइन होगा, 20 में ये इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर है बेटा। अब आगे ई पार्ट पे, ई पार्ट में देखिए -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे -4a और माइनस माइनस प्लस 4 = 12b। अब जब a लिखते हैं तो उसको ख्याल रखा करें, बार बार बताया आपको कि a लिखते हुए आपने यू लिखना है, और अगर आप 9 लिख रहे हैं तो इसको a और 9, अली आप फिर बोल रहे हो क्लास में, इधर दो जगह करके बैठे। हाँ जी, अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 5a माइनस माइनस प्लस 5 = 15b। अब आप देखिएगा ये a है जी आपके पास, इसको अगर हम लाइट टर्म्स को कैसे लिख दें, 4a माइनस 5a प्लस 12b और प्लस का 15b। आप देखिएगा हम इसको और क्वेश्चन नोट जब कर रहे होते हैं आप प्लीज कॉपी पे, तभी आपने इसी मेथड को इसी स्टाइल को ध्यान में रख लिया है, ताकि देखें आपको दूर से ये क्वेश्चन जो है ना वो डिफरेंट नजर आ रहा है, क्योंकि हम इसको हर क्वेश्चन को पार्ट बना लेते हैं, इसलिए बात समझने में आसानी होती है। हाँ जी, सेम साइन है बेटा, साइन माइनस लगेगा, 5 + 4 = 9a, और ये भी बिल्कुल वही बात आ गई है, सेम साइन है इन दोनों, या साइन प्लस का लगेगा और फिर उनको दोबारा हम क्या करेंगे, इधर हो जाएगा उस साइड पर, हाँ जी प्लस करेंगे तो दैट विल बी 27b, ये आपका आंसर आ गया। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट पे, जी पार्ट पे, जी पार्ट में एक्स प्लस वाई माइनस, देखिएगा ये 2 है, यहाँ पे 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी और इससे, दैट विल बी माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 4 = 8y माइनस प्लस माइनस 2 = 6 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आपके पास जो है, हमारे पास जो वैल्यू आ रही है x की वैल्यू, एक इधर बेटा एक x इधर है, क्या बन जाएगा x माइनस 6x, इनको हम सेपरेट कर रहे हैं बेसिकली, लाइक टर्म को हम क्या कर रहे हैं सर, आप इधर 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 तो पढ़ गए आप नजर दिए इधर बैठ, हाँ जी प्लीज। और जब आप y की हम बात कर रहे हैं बेटा, y आपके पास ये वैल्यू भी आ रही है और इधर ये वैल्यू भी आ रही है, तो दैट विल बी प्लस वाई और प्लस का 8y, और जो सिंपल जो कांस्टेंट वैल्यू है वो आपके पास सेपरेट है सिंपल 6 और कोई नहीं है। अब आपके पास देखिए बेटा, ये एक्स है, ये वाई है और ये कांस्टेंट वैल्यू है, सर आप इधर सर आप देख लेना, हाँ जी
जो प्लस साइन है आपके पास वो माइनस का है, माइनस का 5 और प्लस का 9 y, माइनस का 6 इक्वल टू जी, इक्वल टू 6 आ जाएगा। हाँ जी, अब उधर देखिएगा एच पार बेटा, अली आप लोग ना फिर वही बोल रहे हैं, फिर जब आप बोलते हैं ना आपको खुद समझ आती है ना दूसरों को समझने देते हैं। अच्छा जी, आप थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, 3p-6q, इसमें आप माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 8p माइनस माइनस प्लस 4 12q, तो बच्चे मार रहे हैं 5 और माइनस का 8 है, डिफरेंट साइन आ रहे हैं, साइन कौन सा लिखेगा जी, माइनस माइनस 5p हो जाएगा। इधर भी सेम चीज आ रही है, डिफरेंट साइन आ रहे हैं, एक माइनस का और एक प्लस का, प्लस का लगेगा तो बड़ी वैल्यू का साइन प्लस का है, तो जो साइन होता है वो हमेशा लार्जर वैल्यू का लगता है, तो प्लस का 6q हो जाएगा और प्लस का 20, तो ये आपके पास अच्छा ठीक है जी। यस सो कर लेते हैं आपके द्वारा इस क्वेश्चन का है, देखिए इस प्लीज इसमें जो कट रहा है यहां उसने दो ब्रैकेट है, एक स्मॉलर ब्रैकेट यहां पे यूज कर रहा है और एक लार्जर ब्रैकेट, हम इसको अप्लाई करते हैं। देखिएगा प्लीज सबसे पहले आपने विद इन ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये क्यों से हो रहा है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, उसका दैट विल बी 10x प्लस 15y माइनस प्लीज 4 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4x और माइनस 8y। अब फिर हम बात हम करेंगे विद इन जो ब्रैकेट्स है उनको जब सिंपलीफाई करेंगे तो देखिएगा बेटा ये 10x है और ये माइनस का 4x है, तो x वाली वैल्यू को देखेंगे तो दैट विल बी 10x माइनस 4x और 15y माइनस 8y। लाइक टर्म्स को हमने सिंपल में आ गया पहले एक जगह पे नोट कर लिए, अब आपके पास क्या आ रहा है, देखें 10x माइनस 4x बड़ी वैल्यू पे जो लार्जर वैल्यू है उसका यहाँ पे जो साइन आ रहा है वो प्लस का है, तो दैट विल बी प्लस 6x, प्लस का साइन हम लगाते नहीं है, ठीक है, समझाने के लिए मैंने यहाँ पे वो लगा दिए। अब बड़ी वैल्यू यहाँ पे बेटा प्लस है तो 7y, ठीक है जी। अब आपने लास्ट स्टेप में क्या करना है बेटा, इस पे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस तरह भी 4 से माइनस प्लस माइनस 24x 28 आंसर। अच्छा आप मनी देखिएगा ये डिफरेंट आपके पास वो है टर्म्स है, ठीक है, इसलिए हम उसको फर्दर जो है वो सिंपलीफाई नहीं करेंगे, यहाँ तक इसको छोड़ देंगे।